वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है सैटरडे और क्या है, आज मैं पूरे दिन काम में लगी रही और बज रहे हैं अभी शाम के 5 और हो गया है अंधेरा। तो 5:30 बजे जो है अंधेरा हो जाता है, लाइक दिन ढलने लगता है। जो आपने क्लिप देखी होगी तो दिन ढल रहा था उस टाइम पे। तो आज जो है ना, आज सुबह से मैं काम में लगी हूँ, मैंने पूरा घर साफ कर दिया है। तो मैं हफ्ते में एक दिन निकालती हूँ जिस दिन मैं जो घर की सफाई है ना वो करती हूँ, मतलब पूरा डीप क्लीन। तो मैं लगी थी 1 बजे से और 1 से 3-4 घंटे निकल गए। कपड़े वार सारे तय करके रखे, कपड़े अपनी जगह पे अरेंज करे। यहाँ का जो गद्दा है वो मैंने गायब किया है। तो ये जो गद्दा है ये पर्दे के पीछे है। मुझे ना कुछ चीज़ें शूट करनी है और मुझे जगह नहीं मिल रही है शूट करने के लिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कर दिया। अब मैं से स्टोर रूम है हम लोग का बीच में, वहाँ पे पहुँचवा दूंगी, क्योंकि इन गद्दों की जगह नहीं है, बहुत ज़्यादा रूम घेर रहे हैं। एक साइड बैठक मैंने यहाँ पे कर दिया, जो हमारा पहले वाला नॉर्मल गद्दा था। तो जो दो गद्दे हैं ये जो स्टोर रूम है वहाँ पहुँचा दूंगी। थोड़े बाल चेंज करके रखे हुए हैं एक्चुअली, मुझे ना ऑयलिंग करनी है तो रात में मैं ऑयलिंग करूँगी, संडे को मैं बाल धोऊंगी। तो जब मैं जिम से आऊँगी उसके बाद करूँगी। तो मैंने यहाँ से ऐसे ब्रेड रहती है वो बना दी, यहाँ की थोड़ी ढंकी नहीं आई है, पता नहीं मेरा हाथ नहीं चल रहा था या मुझे इस साइड में बाल कम है, शायद शायद मैंने फर्स्ट टाइम देखा ऐसे करके, तो आई थिंक मुझे यहाँ पे बाल कम है। तो ये सारा सामान जो है ना ये मैं अभी अप्लाई कर रही हूँ इतने दिनों से, तो ये एक जगह पे रखा हुआ था। तो मैं अभी ऑयल नहीं लगाऊंगी, ये मैं रात को लगा के सो रही हूँ। बोरोलिन लगा रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें लगा रही हूँ। और ये मेरा बॉडी, ये मेरा वो है क्या बोलते हैं, मॉइस्चराइजिंग लोशन है, जो कि बहुत ड्राई नहीं है, आपकी स्किन ऑयली है, मेरी स्किन ऑयली है वैसे तो उसके लिए सही है, लाइट वेट मॉइस्चराइजर है। ये है बॉडी लोशन है, पर इसमें शिया बटर है, पैराबेन फ्री है और हैंड एंड बॉडी लोशन है। तो मैं इसे फेस पे लगा रही हूँ, ऑल दो हैंड के लिए, बट मैं इसे लगा रही हूँ फेस पे क्योंकि इसमें शिया बटर है, शिया बटर की कोई भी क्रीम, और साथ में कोकोआ भी है आई थिंक, हाँ कोकोनट मिल्क कोकोआ बटर विद शिया बटर, हाँ तो इतने सारे बटर है इसमें, इसलिए मैं भी ये लगा रही हूँ। हाथ के लिए बहुत अच्छा है, हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा है ये, सीरियसली इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, ऐसा लगता है कोकोनट होता है ना जो असली वाला, ऐसा मन करता है खा जाओ इसे, तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। तो इसी को मैं अभी फेस पे अप्लाई कर रही हूँ और जो बच जाता है उसे हाथ पे अप्लाई कर देती हूँ। तो काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइजिंग लोशन काम की तरह काम करता है ये। पहले कभी राजा की स्किन फटा करती थी ठंड में, अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि चीज़ें एक्सचेंज हो गई है। ये क्या हुआ है, मुझे मच्छर काटा है। तो अभी फिलहाल मेरा यही मेकअप चल रहा है कि मैं कुछ अप्लाई नहीं कर रही हूँ और स्किन को थोड़ा सही करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आने वाले 3-4 दिन के अंदर एक शादी अटेंड करनी है तो मुझे मेकअप करना पड़ेगा। तो उससे पहले मेकअप अप्लाई करने के लिए भी आपकी स्किन अच्छी होनी चाहिए, तो उससे पहले जो स्किन है वो अच्छी हो जाएगी। तो मैं सिर्फ इतना करूँगी, आईब्रो फिल करूँगी, काजल लगाऊंगी और एक लिपस्टिक, बस इतना मैं कर रही हूँ अभी। इतना काफी है ना, मैं सोच रही हूँ कि एक बिंदी लगा ली जाए। ओके मैं बिंदी लेके आती हूँ। तो बिंदी जो है वो लग गई है, पर ये पता है मेरी लिपस्टिक से मैच नहीं हो रही है। मैं आ गई हूँ यहाँ पे, ओह माय गॉड। आज सैटरडे है ना, तो हम लोगों ने पब जाने का प्लान बनाया था और उसके बाद मुझे याद आया कि मैं मेकअप नहीं कर सकती, फिर वो कैंसिल हो गया, क्योंकि अब ऐसी शक्ल में भी पब नहीं जाती ना, ऐसे कोई पब जाता है जैसे मैं बोल रही हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि अब रहने दो, तो पब नहीं जा रहे हैं। तो वही हमारी सड़ी हुई जिंदगी, मतलब बोरिंग, एक हाउस वाइफ की नॉर्मल लाइफ ही होती है। मैं हाउस लाई हूँ फिलहाल, तो इधर उधर उड़ रही हूँ मैं। तो मैं लेके आ गई हूँ मटर, ये मटर थी कल एक ठेले पे, तो 30 रुपये की दी है, आधा किलो से ज़्यादा है। तो अभी जो रेट है वो 60-70 चल रहा है, या आई थिंक 80 चल रहा है। तो उसकी जो बची हुई थी ना, तो मैं हरी मिर्च लेने गई थी मेनली वैसे, और ग्रीन वेजिटेबल भी थी, बट आना थोड़ा जल्दी था उनको वहाँ पे, कुछ कारण था, घर आना बहुत ज़रूरी था, कि जल्दी जल्दी राजा भाग रहे थे आप सोचिए है ना। तो फिर मेरे को लगा कि मटर उठा लेते, तो मटर उठा ली वाली, तो मैं मटर छील रही हूँ। सबसे बोरिंग काम मेरी, मटर मुझे बहुत पसंद है, मटर छीलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है,
तो हमेशा क्या होता है, जब मैं मटर लाती हूँ ना, तो मैं एक पेपर बिछा लूँगी, अभी पेपर मैं लाई नहीं क्योंकि इतनी मटर है नहीं, एक पेपर बिछा लूँगी और जैसे टीवी चलता रहता है ना, तो 2-3 किलो रात में आप आराम से छील के रख सकते हैं, अगर आप स्पेसिफिकली टाइम निकालेंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा अखरेगा। और जिस टाइम खाना बनाना है उस टाइम आपको लग रहा है कि यार मटर डाल लेते हैं, उसके बाद भी आप छीलोगे तो वो बहुत ज़्यादा अखरेगा आपको। इसलिए हमेशा फ्री टाइम में, जैसे आप टीवी देख रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, उस टाइम पे आप देख मैक्सिमम टीवी देखते रहे मस्त, तो मटर में बैठ पे छीलती हूँ हमेशा, क्योंकि पता है मटर बहुत बोरिंग काम होता है छीलना। रसोई क्लीन करती है और सब कुछ बर्तन वगैरह लगाने होते हैं, शाम का काम होता है। और एक जगह मैंने अपनी फेवरेट सब्जी, सिर्फ गाजर की कमी है, तो गाजर मिक्स वेज भी बोलते हैं और सब्जी भी डालते हैं, शिमला मिर्च डाल सकते हैं, बड़ी मस्त सब्जी बनती है। तो मेरे पास जितनी सब्जी आती उतनी मैंने डाल दी, मेरे पास थी मटर, गोभी और आलू, तो ये बहुत अच्छी लगती, सीरियसली बहुत टेस्टी बनती है। तो मेरा हो गया है शाम का काम खत्म, मेरा पूरा काम खत्म हो गया, मेरे को यकीन नहीं हो रहा है कि अभी तो मैं सुबह से काम में लगी हूँ, इतना काम हो गया था घर में, फाइनली काम खत्म हो गया। तो चलिए मैं राजा का वेट कर रही हूँ, सीरियसली मैं थक गई हूँ। चलिए मैं राजा का वेट कर रही हूँ और वेट करूंगी मैं ये खा के पल्स। राजा राजा आ गए हैं और हम लोग, कौन है देखो, मतलब सीढ़ी पे एकदम फ्रेश खून टाइप का है, कौन कहाँ तक का है, यहीं तक का आ रहा है, ऊपर का तो समझ नहीं आ रहा। मैं आपको दिखाती हूँ, हाँ ये देखिए, ठीक है ये फॉलो करते हुए, ये देखिए दूसरी सीढ़ी, ये देखिए तीसरी, ये देखिए जो ऊपर देख रहा हूँ। राजा थोड़ा ध्यान से चलते हैं, कोई है तो नहीं, ये किसी को मार के तो नहीं डाल दिया छत पे, ये देखो कि नीचे से भी खून है, नहीं नीचे ऊपर ही खून है, बस यहीं से है, पता नहीं किसका खून है यार। आज सुबह मैं चादर, सुबह तो नहीं जाना, नहीं मैं चादर बिछाने गई, ऊपर डालने गई, पक्का फ्रेश नहीं है, तो एकदम फ्रेश ये सब फ्रेश ही दिख रहा है, ये देखो ना ये फ्रेश है एकदम, हाथ कहाँ लगा रही हो, तो पता नहीं किसका खून है, जरा जरा खून कहाँ रहा है रे, ये यहाँ तक गया है बाबू, ध्यान से, जय श्री राम। अरे चादर के पीछे तो कोई है तो नहीं, ये है, कौन है, कितने गंदे हो ना, ऊपर नहीं आया ना खून, ये यहाँ तक है,
यहीं तक है यार, पर ये सही नहीं है। ये खून कहाँ से आया है? यहाँ तक आके खत्म हो गया, नहीं पता फिर खून ही क्या है भाई। एक बार छू के देखो, भाया से छू के देखो। वो भी कर रहा है मुझे को नीचे, वो तो बह रहा है वो तो वहां से। यार अभी तो मैं यहीं थी यार, गरीब में तो हूँ मैं, बस दिन में गई थी छत पे। तो सीधी बात है, कोई आया है घर पे? कोई आया है? मैं क्यों डरा रहे हो? मैं तो क्यों डरा रहे हो मेरा भाई, घर पे कौन आएगा भाई, कहाँ से आया? और भी ऐसे खून गिराने। तो आज मैंने यही पहन के रखा था और यही पहन के फोकस करेगा या नहीं करेगा, पता नहीं कौन गाने गा रहा है आज। तो आज मैंने ना यही पहन के रखा था, फिर मैंने नीचे लोअर पहन लिया और शूज पहन लिए, और अब है जिम जाने का टाइम, क्योंकि जिम जाना बहुत ज़रूरी होता है। कल लग रही थी क्या, लग रही थी दी क्या, लग रही है दी क्या, ऐसे की कॉमेंट पड़ रही थी हाय। तो पता नहीं किसका वो है, एक्चुअली वो दिन में पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। क्या चीज़? वो खून या क्या है, मेरे को लग रहा है वो कुछ गिर गिर गया है। पर कहाँ से गिर गया, कौन ने गिराया? हाँ यार, ऐसा कौन कुछ गिराएगा जाके ऊपर? आपको क्या लगता है कौन हो सकता है वो इंसान? चोर आया था क्या? वो कोई चोर था या कोई वो? अरे ये लेपर्ड तो नहीं था यार? यहाँ पे ना लेपर्ड में नहीं था पक्का ये चीज। शाम हमको राजा, मैं सीढ़ी ऐसे देख के तो नहीं चल रही थी। अरे पता नहीं किसका क्या था, पता है यहाँ पे ना सिविल लाइन साइड में तेंदुआ घूम रहा था कुछ दिन पहले, वो एक कुत्ते को उठा के लेके चला गया था, इसलिए जो कुत्ता एक बाहर बंधा हुआ था, लैब्रा था ना, लैब्राडोर को एक लेपर्ड उठा के चला गया था, तो उसकी वीडियो आई थी। तो यहाँ घूम तो रहा है, लेपर्ड ही तो नहीं है छत पे? भैया डर लग रहा है मुझे। घर में लेपर्ड कहाँ आता है? मैं ज्यादा कुछ नहीं देख रहा, लेकिन दो ऐसे लगा कि दो आके चमक रही हैं टंकी के पीछे। हाँ दादा नाटक नहीं कर रहा, तुम्हें जाना ही नहीं दूंगी छत पे मैं। क्यों? तुम ही जाते हो, मैं तो वैसे भी नहीं जाती, मैं दिन में जाती हूँ बस। चमक तो रही थी दो आके, अब वो काई लेपर्ड की थी कि टाइग्रेस की थी कि किसकी थी ये नहीं मुझे मालूम, कोई आंखें तो थी। या अटैक ना करते बस, अब पता अब डर लग रहा है। मम्मा 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 नो लेपर्ड, आना नहीं लेपर्ड। अब ज्यादा ना मारो, पकड़ पकड़, डर लग रही मेरे। ये बोलो कर रहे हो? हाँ हाथ दुख लेंगे। अच्छा सुन ही नहीं रहे, कान में हैंड पे लगाए। हाय मेरी बेइज्जती हो गई, सुन तो लो। पता है इतने खराब है, मुझे देख तक नहीं रहे हैं। बहुत अच्छी है चेयर, लैपटॉप रख के ऐसे लैपटॉप रखो और काम करो। अरे वेट बहुत ज़्यादा है, 25 किलो पे लगा है। निकाल दो, भूखे हैं ये। दोनों चाहिए क्या? वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। हो गया बस, चलो काम खत्म ना कर देना। हेलो ले आना एक और पैकेट। खाओ, वो लोग इंटरेस्टेड ही नहीं। वो प्रेग्नेंट है ना, मूड स्विंग्स। दूध वैसे नहीं देना, ये नहीं खाएगा ये, पता नहीं। नो ओके, तो क्यूट आया। अच्छा अच्छा, अरे यार ये किसी को खाना नहीं खाने दिया। जाओ जाओ जाओ, कितना क्यूट। तुम कब आए? जल्द कहाँ से आया? न्यू बेबी। ये सबका खा रहा है, वो डर रहा है पता है उससे।
हाँ दोनों साथ में खा लो खा लो खा लो। ये इसको खाने दे रहा है यार? बच्चा है ना। इसका बच्चा है? इसका बच्चा नहीं है किसी। अरे चौथा चार चार ये ले, तू ये खा, ये ले, ये खा। वो सबका खाएगा ब्लैक वाला। सबका खा रहा है यार। उसे सारा खाना है। इसको दे दो अलग से। इसको? मेल को। जरा सा बचा है। आ गया, इसका पति आ गया। बचा ही नहीं जरा। वो क्या कहाँ बोल रहा है? नहीं। खाओ ना इतना सारा तो है। खाओ ये। उसको दे दो ना। वो जब भी गिर रहा है तो सबको खाने आ रहा है। खत्म। पैकेट खत्म। अरे वो उसे खाने दे रही है। बच्चे को खाने दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। हाँ बच्चे को खाने दे रहे हैं। तो जानू किसका बच्चा है? ये खाने दिया? इसका तो नहीं है, पर क्या हो गया? वो अपनी पत्नी की देखभाल कर रहा है, उसकी पत्नी ये रही। वो सबका खा रहा है। चलो पानी लाते हैं तुम्हारे लिए। पानी दे दो। इनको खाने दो, पानी देते हैं। खून का राज अभी तक पता नहीं चल पाया है, खूनी होली यहाँ पे कौन ने खेली है और किसके द्वारा खेली गई है। पूरी सीढ़ी में खून ही खून है। कोई परिंदा आया था या कोई एक परिंदा जानवर आया था, बोलो भाई। कोई टाइगर आया था कि कोई पानी दे दो जाके, और ये लेपर्ड आया था। बैठे जाओ, चलो पानी लेके आओ, क्योंकि हम नहीं चल पाएंगे अब। राजा में बहुत एनर्जी रहती है। जाके पानी लेके आओ। वो डब्बा रखा है हम पे। कहाँ डब्बा? रसोई में, नीचे वाला शेल्फ खोल, उसमें से थोड़ा खाना रेडी करके गीजर ऑन करूँगी, और उसके बाद पे हम लोग, मैं स्पेशली राजा जा रहे हैं नहाने, मैं फिर जाऊँगी नहाने, पर भूख बहुत ज़ोर से लग रही है। तो मैंने 7:30 या 7:45 बजे एक रोटी और ये थोड़ी ही सब्जी खाई थी, जो कि बहुत यम्मी लग रही है। थोड़ा सा आटा मुझे गूंदना है, मुझे आटा कम पड़ेगा क्योंकि जैसे होली में जब होली खेल लेते हो ना, मेरा आटा खत्म हो गया, मैं ले भी आई हूँ, आई थिंक इतना काफी है। तो होली में होता है ना ऐसा कि क्या बोलते हैं आप, रंग खेलिए उसके बाद नहाते हो तो नींद बहुत अच्छी आती है। वैसे ही जिम कर लो और नहा लो, बहुत अच्छी नींद आती है, पर वो नींद जब आती है ना तो कोई काम नहीं होता है, इसलिए मैं पहले काम निपटा के फिर जा रही हूँ। गुड मॉर्निंग। तो आज है संडे और मैं जस्ट ब्रेकफास्ट बना के बैठी हूँ, थोड़ी सी हवा खा रही थी और मैंने बोरोनी लगा के रखी, तो मेरी स्किन आपको ऑयली लग रही होगी। वहाँ पे दो तोते हैं, मतलब हमारे बाजू वालों के, यहाँ पे मैं दिखाऊंगी एंडिंग में। वो दोनों एक ही पिंजरे में हैं, और हाँ एक ही पिंजरे में है वो। तो आज संडे है तो मैं सोच रही हूँ अपने आप को थोड़ा पैम्पर करा लिया जाए, तो मैं कहीं जाने की सोच रही हूँ पार्लर या सलून वगैरह, क्योंकि मेरी जो स्किन है वो ड्राई है, तो आई थिंक ड्राई स्किन के लिए भी कोई ना कोई फेशियल या वगैरह आता होगा, जो मेरे को लग रहा है करा लूँ, क्योंकि मेरे जो गाल है ना, अब मेरे गाल फट गए हैं, तो बस उसके लिए मैं सोच रही चल रही हूँ, अदरवाइज सब कुछ सही है। खून की हालत क्या है?
वो खून क्या हुआ उस खून का? लगा हुआ है? पता नहीं क्या है, वो नहीं समझ में आ रहा है। तो कल मैंने रात को ब्लॉग एंड नहीं किया था, मैंने खाना बनाया है, उसके बाद फिर हम लोगों ने टीवी देखा है, स्प्लिट्स वाला मेरा फ्राइडे का बचा होता है, फ्राइडे का स्प्लिट्स वाला देखा, बिग बॉस देखा, जिम से आए थे हम लोग, उसके बाद मैंने डायरेक्ट खाना बनाया, फिर मैं नहाई हूँ, फिर खाना वाना खाया है, फिर वो टीवी वगैरह देखा, उसके बाद फिर सो गए। मेरे को लग रहा था कल रात को ब्लॉग करते बैठ के, फिर कहते ना हिम्मत नहीं होती, तो मैं आजकल क्या होता है मैं थोड़ा सा चीज़ें मैनेज करके ज़्यादा चल रही हूँ, लाइक खाने से लेके सब कुछ, कि बाहर का खाना ना हो, जिनसे पहले खाना बन जाए, घर साफ के साफ रहे, तो बहुत सारी चीज़ें जब हो जाती है ना, और मेरी जो हाउस हेल्प है वो सिर्फ बर्तन और झाड़ू पोछे के लिए आती है, बाकी सारा काम जो है कपड़े से धोना और सब कुछ, और कपड़े मेरे हर दिन धुलते हैं, तो सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, वैसे सबको ही करना पड़ता है, पर मुझे करना पड़ता है तो पूरा दिन ऐसा हो जाता है कि बोल नहीं सकती हूँ, तो थकान से जाती है रात रात में, तो हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी, तो अभी मैं धूप में आके बैठी, थोड़ी धूप लग रही है और ठंडी हवा भी लग रही है, यहाँ पर मैंने चेयर लगा के रखी है बालकनी में, यहाँ पर बैठ सकते हैं कि धूप आ रही है, पर फिलहाल तो धूप नहीं आ रही है, क्योंकि मौसम जो है वो ठंडा होना शुरू होगा, और हम लोग के यहाँ पेड़ बहुत सारे हैं ना, तो उसे ठंडी हवाएं आती है। अभी मैंने आपको दो चिड़िया दिखाई, और अब मैं आपको दो पैरट दिखाऊंगी, और पैरट दिखाते दिखाते मैं कर रही हूँ उस ब्लॉग को एंड। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, अगर आया है तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं आपसे मिलती हूँ कल विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, बाय।